वीडियो डिस्क्लेमर, दिस वीडियो इज ओनली फॉर एंटरटेनमेंट पर्पस, सो प्लीज डोंट टेक सीरियसली। हेलो गाइज, मेरा नाम है मानव और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल आरसी मैशअप में। गाइज, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एक कमाल के मैशअप रिएक्शन को। अगर आपको ये मैशअप रिएक्शन की वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, थैंक यू। तो गाइज, आगे की बात हम वीडियो खत्म होने की बात करते हैं, तो चलिए इस कमाल के मैशअप रिएक्शन की वीडियो की शुरुआत करते हैं। जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। पहली बात तो देखिए, पाकिस्तान के जो फॉर्मर अम्बेसडर थे टू इंडिया, इन्होंने कैटेगोरिकली ये कहा है कि पाकिस्तान में एक डर है कि जिस तरीके से पूंछ में अटैक हुआ है, और अब ये बात धीरे धीरे सामने आ रही है कि इस अटैक में ना सिर्फ जैश ए मोहम्मद लश्कर ए तैयबा भी शामिल था, और साथ ही साथ इस अटैक में फॉरेन और लोकल टेररिस्ट दोनों का हाथ था। अब डर पाकिस्तान में यह है, जेन्युइन फियर है। इसके बारे में द हिंदू ने भी आर्टिकल पब्लिश किया है कि पाकिस्तान फियर्स अनदर सर्जिकल स्ट्राइक बाय इंडिया। एक जेन्युइन फियर कंसर्न है कि फिर से इंडिया एक सर्जिकल स्ट्राइक ना कर दे पाकिस्तान में। ना यह सर्जिकल स्ट्राइक कैसा होगा, इसको लेकर ना पाकिस्तान को कुछ जानकारी है, ना फ्रेंडली स्पीकिंग मुझे पता है। अभी बस यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ कि पाकिस्तान में फियर इस बात का लेकर बहुत ज्यादा है। इनके फॉर्मर डिप्लोमैट, जियोपॉलिटिकल थिंकर जितने भी बचे हैं वहां पर, सब लोग ये बात क्लेम कर रहे हैं कि इंडियन आर्मी या तो ग्राउंड लेवल पर या फिर इंडियन एयरफोर्स कुछ कैंप्स को टारगेट कर सकती है जहां से लगातार आतंकवादी इंडिया की साइड आ रहे हैं। क्योंकि सिंस हम कैटेगोरिकली देख रहे हैं कि फॉरेन टेररिस्ट इन्वॉल्व थे रीसेंट पूंछ अटैक में, तो इंडिया को कहीं ना कहीं टेरर कैंप्स को टारगेट करना होगा। और याद रखिएगा, लास्ट टाइम जब हमने बालाकोट की बॉम्बिंग करी थी, इंटरनेशनल कम्युनिटी ने कुछ इस पर आपत्ति नहीं जताई थी, तो आप कह लीजिए इंटरनेशनल कम्युनिटी भी ये बात आराम से एक्सेप्ट कर लेगी अगर हम फिर से एक सर्जिकल स्ट्राइक करते हैं। तो डिस्कस करते हैं इस टॉपिक को, बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा यहाँ पर। मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन ये है कि टीबियोस नाम की जो सैटेलाइट है ये इसरो ने लॉन्च करी है, ये प्राइमरली सैटेलाइट है किस कंट्री की? ये है आप आपकी ऑप्शन, यूएई, इजराइल, सिंगापुर या फिर बांग्लादेश। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर, सही आंसर मैं आपको दूंगा वीडियो के एंड में। ओके, तो यहाँ पे आप एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है अगर पाकिस्तान में फॉर्मर डिप्लोमैट्स इनके और जो वहां पे इंटेलेक्चुअल लोग हैं उनको इस बात की चिंता है कि इंडिया फिर से सर्जिकल स्ट्राइक कर देगा, मगर ग्राउंड लेवल पर तो हम देख रहे हैं कि इंडिया पाकिस्तान की मीटिंग्स हो रही हैं, और अभी रिसेंटली रिपोर्ट्स आई थी कि पाकिस्तान के विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री इंडिया में आएंगे। देखिए, उसके बारे में मैं आपको ये बता दूं, पहली बात तो पाकिस्तान के विदेश मंत्री गोवा की मीटिंग अटेंड करेंगे, मगर डॉक्टर अजय शंकर ने कैटेगोरिकली ये कह दिया है कि ये पर्सनल लेवल पर एक बायलैटरल मीटिंग बिल्कुल नहीं करने वाले पाकिस्तान के विदेश मंत्री के साथ। उसके अलावा पूंछ में हुए अटैक के बाद अब ये बात भी सामने आ रही है कि पाकिस्तान के जो रक्षा मंत्री है ये इंडिया नहीं आएंगे। इस पर बहुत सी रिपोर्ट्स पब्लिश हुई है कि पाकिस्तान के जो डिफेंस मिनिस्टर है ख्वाजा आसिफ, ये इंडिया की विजिट को स्किप कर देंगे, और ये बात फिर से रीअफर्म करती है कि पाकिस्तान को एक कंसर्न है, एक डर है कि इंडिया की तरफ से स्ट्रॉन्ग रिएक्शन आ सकता है। अब ये रिएक्शन आज से एक हफ्ते बाद आएगा, एक महीने बाद आएगा, वी डोंट नो फॉर श्योर। मगर ये बहुत ही एक इंटरेस्टिंग बात है कि पाकिस्तान के रक्षा मंत्री भारत नहीं आने वाले, ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मीटिंग को अटेंड करेंगे, जबकि चाइना, एक ऐसा कंट्री जिसके साथ बॉर्डर टेंशन हमारी बहुत ज्यादा बढ़ गई है, उसके डिफेंस मिनिस्टर भारत को विजिट करेंगे। यहाँ पे आप देख पाओगे चाइनीज डिफेंस मिनिस्टर टू विजिट इंडिया टू अटेंड दी एससीओ समिट। अब ये सब बातें अपने आप में काफी कंसर्निंग है कि एक आतंकवादी हमला होता है, उसके बाद काफी सारी और जो मीटिंग्स होनी थी वो टल जाती है। उसके अलावा ना, पाकिस्तान की मिलिट्री ने रिसेंटली एक बहुत ज्यादा अजीब सी स्टेटमेंट दी है जो कंसर्निंग है, जो रीजन के लिए काफी कंसर्निंग है। इन लोगों ने यह कह दिया कि जरूरत आने पर ये बैटल इंडिया की टेरिटरी पे ले जाएंगे, मतलब कि जो वॉर है ये हमारी टेरिटरी में ले जाएंगे। तो अब इसका मतलब हम यही मानेंगे कि पाकिस्तान एक इन्वेजन की बात कर रहा है, कि इनके हिसाब से अगर जरूरत पड़ी तो ये कुछ मिलिट्री एक्शन इंडिया के अगेंस्ट भी ले सकते हैं, एक सर्जिकल स्ट्राइक के रिटेलिएशन में। नाउ मुझे यहां पर ऐड करना पड़ेगा कि पाकिस्तान की मिलिट्री ने ये स्टेटमेंट प्राइमरली तब दी है जब रिपोर्ट सामने आई कि पाकिस्तान के पूर्व आर्मी जनरल ने ओपनली अपने जर्नलिस्ट, पाकिस्तान के बाकी जो मीडिया के लोग हैं उनको ये कहा था 2021 में कि पाकिस्तान के टैंक्स वर्किंग कंडीशन में नहीं है। इस टॉपिक पर ऑलरेडी मैं एक अलग से वीडियो बना चुका हूं, तो ये दोनों जो टॉपिक्स हैं ये कनेक्टेड है। तो इसी के रिलेशन में
पाकिस्तान की मिलिट्री ने यह भी कहा है कि इंडिया यहाँ पर यह ना समझे कि हम कमजोर है वगैरह, और साथ में ये भी कह दिया कि टाइम आने पर दे विल टेक बैटल इनटू इंडिया टेरिटरी। अब ऐसी स्टेटमेंट देखिए रीजन के लिए कंसर्निंग इसलिए है क्योंकि अगर इंडिया स्पेसिफिकली जो टेरर कैंप्स है पाकिस्तान में इनको टारगेट करता है तो उसके जवाब में अगर पाकिस्तानी मिलिट्री इंडिया के अगेंस्ट एक ऑफिशियल एक्शन लेती है, क्योंकि अगेन ये लोग ये नहीं कह रहे कि कुछ ग्रुप्स हैं इंडिया में उनको हम अटैक करेंगे वगैरह, ये डायरेक्टली बात कर रहे हैं कि इंडिया के अगेंस्ट इंडियन टेरिटरी पे ये अटैक कर सकते हैं, तो उस केस में तो ऑब्वियसली रीजन में एक स्मॉल स्केल वॉर भी हो सकती है। ये मैं आपको बता दूं यूएस की इंटेलिजेंस एजेंसीज पहले ही प्रिडिक्शन कर चुकी है कि अगर इंडिया पे एक अटैक होता है किसी आतंकवादी ग्रुप का तो उसके रिस्पॉन्स में एक और इंडिया पाकिस्तान वॉर हो सकती है। यहाँ पे आप देख पाओगे ये रिपोर्ट्स पब्लिश हुई थी मार्च 2023 में, अनदर इंडिया पाकिस्तान वॉर, हाई पॉसिबिलिटी ऑफ मिलिट्री रिटेलिएशन इन कश्मीर अंडर पीएम मोदी लीडरशिप। बेसिकली यूएसए ने अपनी इंटेलिजेंस रिपोर्ट में ये कहा था कि अभी जो गवर्नमेंट है इंडिया में इनकी पॉलिसी ये है कि अगर इंडिया पे एक टेररिस्ट ग्रुप अटैक करता है तो वो टेररिस्ट ग्रुप जहां भी है उसके अगेंस्ट वो एक्शन लेंगे, तो ऐसे केस में सिचुएशन दोनों कंट्रीज में खराब हो सकती है। ये ऑफकोर्स यूएसए की इंटेलिजेंस रिपोर्ट ने क्लेम किया था। और ये देखो एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत न्यूज में रहेगा, अभी ये भी देखना होगा कि पाकिस्तान के पीएम भी इंडिया को विजिट करेंगे या नहीं करेंगे, या फिर वो भी हो सकता है कि इलेक्शन के डर की वजह से अपनी जनता की डर की वजह से इंडिया को विजिट ना करे एसईओ समिट के लिए और एक वर्चुअल एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एसईओ समिट में पार्टिसिपेट करे, इट इज वेरी मच पॉसिबल। तो जो भी इससे रिलेटेड डेवलपमेंट्स होंगी इन द फ्यूचर उस पर मैं वीडियोस लाता रहूंगा। ना फाइनली वापस आते हैं क्वेश्चन की तरफ कि टेलियोस 2 ये जो सैटेलाइट है ये किस कंट्री की है जो इसरो ने रिसेंटली लॉन्च करी है, तो सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन सी द कंट्री ऑफ सिंगापुर। यहाँ पे आप देख पाओगे इसरो ने अपनी वेबसाइट में इसके बारे में लिखा हुआ है द सैटेलाइट इज डेवलप्ड अंडर ए जॉइंट पार्टनरशिप बिटवीन DSTA। इसकी स्पीचेस पुरानी सुनी है एंड उन्होंने कहा है कि अगर कभी ये होगा, अगर तुम हमारी कंट्री में घुस के इस टाइप के काम करोगे तो हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, इसके मारेंगे। अब इन पाकिस्तानियों में अपना तो कुछ है नहीं, हर चीज जो हम बोलेंगे उसी को इन्होंने कॉपी करनी है। ये पाकिस्तानी जो आर्मी वाले हैं ये भी हमारी चीटिंग करते हैं, इनके यूट्यूब चैनल वाले भी हमारी चीटिंग करते हैं, हम बोलेंगे चूरन खिलाते हैं तो ये भी वही वर्ड यूज करेंगे चूरन खिलाते हैं, हम बोलेंगे ए तो वो भी बोलेंगे ए, इन्हें खुद अपना कोई किसी का दिमाग तो है नहीं है। तो वो ही गेम उन्होंने खेली कि हम इंडिया में घुस के आए, आ जाओ हम तुम्हारा वेट कर रहे हैं, हमारा एक्शन जब होगा उसके बाद देखेंगे तुम्हारा रिएक्शन। और जैसे यूएसए बोल रहा है कि वॉर हो सकती है, हो जाए वॉर फिर ऐसी बात, क्योंकि हम अपने सोल्जर्स का जो भी है, पर अगर पाकिस्तान में इतनी है कि तुम वॉर कर सकते हो अपनी करंट हालत में तो आ जाओ, इस बारी हम फिर क्या करेंगे वॉर में पूरा पाकिस्तान जीत लेंगे, कुछ वापस नहीं देंगे, जहां तक जा सकेंगे सब ले लेंगे। अब उसके बाद ये सबक दिखाएंगे, खाली पीओके नहीं, जहां तक है इसराइल की तरह करेंगे, जहां तक है सब ले लेंगे, फिर इनको पता चलेगा। बताओ एग्री करते हो कि नहीं? देखिए अभी यही देख रहे हैं पता चलेगा उसके बाद, अगर तुम कुछ करना चाहते हो तो करो, रेडी है, और फिर जो है कुछ होता है तो जो लैंड हमारी जा चुकी है उसको भी। और ये जो बोल रहे थे ना ये इनके पाकिस्तान वाले, ये पुलवामा क्या भी इतना बेकार की बातें जो की है इरेलेवेंट, जो हमारे वो मेरे ख्याल से सत्यपाल शायद उनका नाम है, उनकी कोई स्टेटमेंट है, उन्होंने कुछ बोला था, उन्होंने बायर भेजना चाहिए था, अगर बायर ना अगर एयर भेज दे अगर बायर भेज देते तो जो टेररिस्ट ने अटैक किया था वो ना हो पाता उनका सक्सेसफुल, उन्होंने सिर्फ ये बोला। इन्होंने उस बात को कुछ और ही तोड़ मरोड़ के कुछ बिल्कुल टोटली डिफरेंट हो गया, मतलब एक नंबर के झूठे हैं। अब तो मुझे कंफर्म हो गया पाकिस्तानी वेदर दे बी आर्मी ऑफिशियल्स वेदर दे बी पॉलिटिशियंस वेदर दे बी सही बात है, हमने भी वही काफी नॉर्मल हो
हो रहे हैं, बलावल भी जा रहा है और भी कुछ चीजें नॉर्मल हो रही है। तो एक क्रिकेट की टीम पर तो काफी पॉलिटिक्स चमकाते हैं कि यार सामने पॉलिटिक्स चमकाते हैं और जो हालात नहीं नॉर्मल चाहते वो चीजें ये करते हैं। तो हमारी जो और किसी को पता भी नहीं कि वो जा रहा आगे, वो भी पाकिस्तानी है, क्रिकेट की टीम भी पाकिस्तानी है, फुटबॉल की टीम भी पाकिस्तानी है। अब वो उधर जा रहे हैं लेकिन उधर इतना एक पॉइंट ऑफ व्यू नहीं मिलता, एक मतलब की हलचल नहीं मिलती फुटबॉल में। तो फुटबॉल की टीम एक रिलैक्स होकर जा रही है, उधर कोई पॉलिटिक्स नहीं चमका रहा, लेकिन पिक्चर पर आए तो काफी पॉलिटिक्स चमकाते हैं और हालात खराब करने की बातें करते हैं। काफी खुशी हो रही थी कि एक हालात नॉर्मल हो जाए, लेकिन ऊपर से ये चीजें होना सारी बात जो है ना आतंकवादी का नहीं मिला, एक रिस्पॉन्स में बनना चाहिए वो छोटा है क्या बड़ा रिस्पॉन्स जो है वो कड़ियां मिल देंगे। एक मतलब कि जब इतना बड़ा टाइम आया था ना तो लोकल जो है ना वो चाहे आप दे ले कभी एक ये अब एक उनके पास भी कोई क्लियर इधर भी हो सकते हैं इसमें इधर से क्योंकि सारी जानकारी जो हो रही है तब क्लियर होगा कि हर चीज करेगा भाई क्यों नहीं। अपनी लाज जो रिपोर्ट आई है ना वही सरकार ने बताई है कि जिन जिनका भाई नाम था ना तो उन उनका नाम आ गया है, तो वो उनके बारे में सर परेशान ने हमें क्लियर बताया कि भाई इसके पीछे जो थे इसी बात का देखो ना कल भी एक मतलब की अटैक हुआ है एक इंडियन पुलिस पर भी उधर मतलब की। गाइज आपको यह मैसअप रिएक्शन का वीडियो कैसा लगा अपने थॉट को नीचे वीडियो के कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।